जय हिंद ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का हमारे कानपुर सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर डिफेंस फिजिकल एकेडमी उत्तर प्रदेश कानपुर। साथियों, सेना रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी को आज इस वीडियो में पूरा एक एक चीज़ आपको डिटेल में दिखाई जाएगी कि सेना रैली भर्ती में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होगी और किस किस प्रोसेस से गुजर कर हम अपने फाइनल एक फौजी बनने का सपना, एक सिपाही बनने के सपने को अपना पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार आप सभी को पता है कि ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है कि सभी एआरओ जो आपका ऑनलाइन सी एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले आपको सेना रैली भर्ती में सभी वाइस चीज़ को बिल्कुल हम ध्यानपूर्वक जान लें कि आपका सबसे पहले आर्मी सी एग्ज़ाम होगा। आर्मी सी एग्ज़ाम बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा और फिर आपके जाकर फाइनल ईयर लगते हैं। तो साथियों, आज नोटिफिकेशन को खोलकर बैठे हुए हैं, इसमें डिटेल में आपको एक एक चीज़ पूरा बताई जाएंगी जिससे आप लोग एक चीज़ों को व्यवस्थित सीख लेंगे कि कब से क्या होना है, हमारा एज लिमिट क्या रहेगी, हाइट क्या रहेगा, चेस्ट क्या रहेगा और फिजिकल में कितनी टाइमिंग दी जाएगी, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ साथियों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका एक प्यार और हौसला है जो हमको अपने हाथ से मजबूती देता है और हमारे हौसलों को बढ़ाता है। तो आप लोग लाइव देख रहे होंगे साथियों कि यह रिक्वायरमेंट आप अच्छी तरह आप लोग देख रहे हैं, साथियों देख रहे हैं, रिक्रूटिंग ऑफिस हेडक्वार्टर चेन्नई, ये चेन्नई का है, रिक्रूटिंग ऑफिस हेडक्वार्टर चेन्नई का है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2023-24। तो साथियों, इस पर आप लोग हाईलाइट करेंगे, थोड़ा देखिएगा, थोड़ा हम हाईलाइट करेंगे आपको कि आप लोग देख पाएंगे आगे अच्छे तरह। प्रिय दोस्तों, चलिए ओके ना, अब देखिएगा आप लोग। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये मैं थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, हाँ। तो आप लोग देख रहे हैं साथियों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप देखिएगा, ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है, इस पर आप लोग इसे ध्यान देंगे, ये 16 फरवरी से है। आप लोग देखिएगा 16 फरवरी 2023 मार्च 2023 15 मार्च 2023 तक आपका जो है ऑनलाइन आपका आवेदन रहेगा साथियों। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं ये जो लिखा हुआ है नीचे का अच्छी तरह, ऑनलाइन एग्जाम डेट जो आपका है 17 अप्रैल 2023 से है। साथियों, ये डिटेल में आपका नोटिफिकेशन हो गया। अब आप लोग अच्छी तरह देखेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या है। तो साथियों, आपको पूरा दिखा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, आप देख रहे हैं कि जैसा कि अच्छी तरह कि रिक्रूटमेंट रिक्रूटिंग ईयर 2023-24 सी एग्जाम का है। उसके बाद आपका प्रोड्यूसिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सी एग्जाम है, ऑनलाइन सी एग्जाम आपका सबसे पहले होगा, देख रहे हैं आप लोग क्या ऑनलाइन सी एग्जाम है। उसके बाद कैंडिडेट, ये सब आपके मतलब एक चीज़ इसमें लिखी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कैंडिडेट फॉर अपलोडिंग ईयर फोटोग्राफी, जिसके बाद हो गया आप देख रहे हैं कैंडिडेट ईयर सिलेक्टेड और आधार कार्ड, मतलब कहने का आपका किसी प्रकार का कोई करेक्शन और एक्शन नहीं होना चाहिए। लाइन लोग दूसरे पेज पर चलते हैं और अपना दिखाते हैं, दूसरे पेज के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एज कैटेगरी के बारे में बात की जाए। तो आप लोग देख रहे हैं एज कैटेगरी जो जाएगी साथियों, एज कैटेगरी तो लाइव फिर हम आपको एज कैटेगरी की जो चीज़ें हैं आपको पूरा एकदम एक चीज़ जल्दी जल्दी दिखा देंगे ताकि बिल्कुल न पड़ा ना हो। तो आर्मी जनरल ड्यूटी के लिए आप लोग फिर से देख सकते हैं, अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए जो ईयर ली जाएगी वो 17/7 से लेकर 21/7 तक ली जाएगी। साथ ही उसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन ली जाएगी, आप लोगों को फिर से ध्यान दे दीजिएगा मेरे प्रिय दोस्तों, क्लास 10th मैट्रिक में आपके 45% होने चाहिए। आप लोग देख सकते हैं इन एग्रीज प्रत्येक परसेंट आपके 33 नंबर होने चाहिए। फॉर फॉलोइंग आपका ग्रेड डी मान्य होगा, किसी भी विषय में अगर आपका ग्रेड डी है तो आपका मान होगा 33 से लेकर 40% राय आपके बीच में होने चाहिए। और आपका ग्रेड टू सी आपको पूरा 45% है। डियर स्टूडेंट, आपको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए एक बार कि आपको जीडी के लिए आपको प्रत्येक सब्जेक्ट 33% सॉरी टेंथ में मिल गया है, तो ध्यान देंगे कि प्रत्येक 33% और ऑल ओवर, ध्यान रखिएगा ऑल ओवी या ओवर 45% होने चाहिए। यार में जीटी की हो गई बात, आइए लाइए हम लोग लाइव टेक्निकल की बात करते हैं। तो देख रहे हैं कि आर्मी सॉरी अग्निवीर टेक्निकल के लिए जो आपका फोर्सेस रहेगा, आपको 10+2 आपका क्लियर होना चाहिए साथियों। अगर आपने 10+2 अगर क्लियर किया हुआ है, 10+2 में आपको क्या देखना है, देखिएगा 10+2
आपका क्लियर होना चाहिए साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% के साथ। अगर आप अग्निवीर टेक्निकल में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, टेक्निकल डिपार्ट में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इंटर जो है इंटरमीडिएट आपको पास होना होगा इन विषयों के साथ। आपका साइंस होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री आपकी होनी चाहिए, आपका मैथ होना चाहिए, आपकी इंग्लिश होनी चाहिए और मिनिमम आपके 50% होने चाहिए पूरा ऑल ओवर। मेरे प्रिय दोस्तों, आपके 50% होने चाहिए आर्मी टेक्निकल के लिए और ऑल ओवर आपका 45% होना चाहिए, सॉरी 40% 40% होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, बार फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ प्रिय साथियों कि जो रहेगा, बात करते हैं अगर टेक्निकल की, तो टेक्निकल के लिए आपको सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपको 12वीं पास करना होगा। 12वीं देखिए, आपको 12वीं पास करना है। 12वीं में आपको ध्यान रखना है कि आपके आपका PCM होना चाहिए। PCM का साथियों मेरे मतलब हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए। आपको ऑल ओवर आपका 50% होना चाहिए और ईच सब्जेक्ट आपका 40% होना चाहिए। ये टेक्निकल की बात हो गई साथियों। टेक्निकल का आप लोग अच्छी तरह देख ले रहे हैं। उसके अलावा भी इसमें दिया हुआ है कि 10th मैट्रिक 50% होना चाहिए या फिर आपके पास कोई भी जैसे ITI है, उसके बाद अगर आपका डिप्लोमा है तो उसके लिए भी टेक्निकल बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो अग्निवीर और टेक्निकल आपका कन्फर्म हो गया डियर स्टूडेंट। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे फेज पर। चलिए, तीसरे फेज पर अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको दिखाएंगे पूरा कि इसमें क्लर्क और ट्रेडमैन की बातें होंगी। चलिए आइए देखिए, तो हम लोग बात करते हैं तो हाँ, तो डियर स्टूडेंटों अब हम लोग बात करते हैं क्लर्क की। तो आप लोग देखिएगा क्लर्क में जो रहेगा किस प्रकार से है, थोड़ा हाईलाइट करके रखिएगा क्लर्क और देखिए क्लर्क का। देखिए तो क्लर्क अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल साथियों, इसमें भी आपको एज जो दी जाएगी आपको ध्यान रखना होगा मेरे प्रिय दोस्तों कि आपको एज जो दी जाएगी वो भी आपको एज इसमें 17 से लेकर 21 की ही एज दी जाएगी। अब आपको क्लर्क में भी 17.5 से लेकर 21 ईयर आपको 21 साल तक ही एज दी जाएगी, जिसमें आपको ध्यान रखना है प्रत्येक स्टूडेंट को बहुत ध्यानपूर्वक कि आपका इसमें भी आपका इंटर पास होना चाहिए, आपको 10+2 आपका एग्जाम होना चाहिए। उसके बाद एनी स्ट्रीम आप फिर देखिएगा मेरे प्रिय दोस्तों कि आप एनी स्ट्रीम से, स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं है। अभी इसमें आर्मी इसमें रिक्वायरमेंट चेंज किया है कि पहले ये लोग स्ट्रीम लेते थे कि ओनली मैथ वाले ही बच्चे भर सकते थे, बट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आर्ट कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम का बच्चा आपका क्लर्क का फॉर्म भर सकता है आसानी तरीके से। ऑल ओवर की अगर बात की जाए तो साथियों इसमें 60% होने चाहिए और ईच सब्जेक्ट आपके 50% होने चाहिए। तो लाइक अब फिर से देखिएगा, आपको क्लर्क की अगर बात करते हैं, अग्निवीर क्लर्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्या करना है, आप लाइव देखेंगे हर चीज़ें। अग्निवीर क्लर्क के लिए आपको ध्यान रखना है कि 10+2 पास होना चाहिए। स्ट्रीम भी है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी, आपको ध्यान रखना है मेरे प्रिय दोस्तों कि ऑल ओवर आपका 60% होना चाहिए और ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रिय दोस्तों 50% आपके प्रत्येक सब्जेक्ट, अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो जी हाँ साथियों आप लोग आर्मी क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं और एक बहुत अच्छी तरह आप लोग आसानी से अपने मेहनत करके अपनी सफलता को आप लोग अपने सपने को आप लोग अच्छी तरह आप लोग पूरा कर सकते हैं। तो साथियों लाइव चलते हैं, आप ट्रेडमैन के बारे में बात करते हैं। तो लाइव ट्रेडमैन की जो बातें होंगी आप लोग को पूरा डिटेल में बताएंगे हर चीज़ें हम लोग, क्योंकि लाइव आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं तो लाइव डिटेल में आपको बताते हैं। तो चलिए देखिए प्रिय दोस्तों एक बार फिर देखिए, चलिए लाइव दिख रहा है। चलिए अग्निवीर ट्रेडमैन अगर बात करते हैं, अग्निवीर ट्रेडमैन की अगर बात की जाए अग्निवीर ट्रेडमैन की, तो अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए आपको 10वीं पास होना पड़ेगा और इसमें भी जो आपको एज दी जाएगी साथियों, जी हाँ बता दे रहे हैं, अब आपको 23 तक एज नहीं मिलेगी, मात्र 21 साल तक ही एज रहेगी। तो आप देख सकते हैं 17.5 से 21 साल आर्मी अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए आपको क्लास 10 पास होना चाहिए। सिंपल क्लास 10 आपको पास होना चाहिए 10, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपसे मांग नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% होने चाहिए। तो फिर दोस्तों एक बार फिर देखिएगा अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए आपको क्या करना है, ट्रेडमैन के लिए आपको ध्यान रखना है कि 10वीं आपको पास होना है,
दसवीं पास होना है। और इतना ध्यान रखना है कि बात 33% के साथ अगर आप पास हैं तो साथियों आप लोग बिल्कुल अग्निवीर में फॉर्म, आप लोग अग्निवीर ट्रेडमैन में आप लोग फॉर्म को आसानी तरीके से भर सकते हैं। अब बात करते हैं अग्निवीर ट्रेडमैन आठवीं, तो आठवीं आप लोग सिंपल तरीके से आठवीं पास हों और नो डिफॉल्ट फॉर ईच, आपको सेम वही प्रोसेस रहेगा जिसमें आपको भी 33% के साथ आठवीं वाले भी बच्चे आसानी तरीके से पास हो जाएंगे। बस चलिए अब इस पर जो रिक्वायरमेंट दी गई है आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा अच्छी तरह कि क्या लिखा गया है, हम आपको पूरा डिटेल में दिखा देंगे साथियों क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए इस चीज़ें। तो चलिए चलिए देखिएगा और एक चीज़ों को फिर आप लोग विस्तार से देख लीजिएगा अच्छी तरह। नोट कैंडिडेट हैज भी मतलब कि इसमें कहने गई है कि आपका किसी भी प्रकार की मार्कशीट जो है वो आपका अवेलेबल होना चाहिए। और उसके बाद लाइव चलते हैं तीसरे पे। आइए सबसे बड़ी चीज़ आप लेकर हाजिर हुए हैं हम लोग, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस पर आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि सर एज क्या रहेगी, एज एज एज। तो डियर स्टूडेंट हो प्रिय साथियों, वीडियो को लाइक जरूर करना भूलना नहीं। आप लोग देखिएगा इसमें आप लोगों को पूरा हर एक चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिएगा ध्यान पूर्वक। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की अगर बात की जाए साथियों, तो जो डेट ऑफ बर्थ दी जाएगी इस बार की जो डेट ऑफ बर्थ दी जाएगी वो डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिएगा, ये डेट ऑफ बर्थ में आपको ध्यान रखना है साथियों, आपका जन्म 1 अक्टूबर लिखेगा, ध्यान से 1 अक्टूबर 2002 से अगर आपका, और उसके बाद क्या है आपको बता दे रहे हैं कि 1 अप्रैल 2006 साथियों, 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2006 के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो साथियों जी हाँ, आप अग्निवीर के सभी ट्रेडों पे आप लोग फॉर्म आसानी तरीके से भर सकते हैं साथियों। ये आपकी एज कैटेगरी है, एज का डाउट आप लोग अच्छी तरह क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि एज आपका 1 अक्टूबर 2002 से ली जाएगी और 1 अप्रैल 2006 के बीच में आपको आना है साथियों। उसके बाद अगर बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ रीजन हाइट एंड चेस्ट, तो आप लोग देख सकते हैं रीजन मतलब ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के लिए और तेलंगाना के लिए है, वहाँ पर जो हाइट ली जाती है 187 सेंटीमीटर ली जाती है, अग्निवीर टेक्निकल के लिए भी, ट्रेडमैन के लिए भी और सेल्फ के लिए भी। मिनिमम आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका स्पेसेस होना चाहिए। अब लाइव बात करते हैं तो हम लोग दूसरे पद पर अगर बात करें तो वेट यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जिस प्रकार से आप लोग देख पाएंगे कि फटाफट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा, और क्योंकि आप लोग जल्दी थोड़ा देख लेंगे तो साथियों 55 सेंटीमीटर हाइट वाले के लिए बंद होगा अपने आप। कितने मिनट हो गया है? 12 मिनट लंबा भी हो।